आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आज हमारे साथ फिर से एक बार कशिश गुप्ता जी हैं। आपको पता ही होगा कशिश गुप्ता जी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छी पकड़, सर्विस टैक्स में बहुत अच्छी पकड़। तो आज हमने बुलाया किस लिए है कशिश गुप्ता जी को? कशिश गुप्ता जी, आज आपको बुलाना का मेरा पर्पज ये है कि जो बजट में चेंजेज हुए हैं सेक्शन 16-2AA, इसमें मैं अपना व्यू तो अपने दर्शकों को दे चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना डॉक्टर के पास जाकर, तो मैं चाहता हूँ कि किसी और एक्सपर्ट का सेकंड ओपिनियन हमारे दर्शकों को मिले कि आपका क्या विचार है 16-2AA के बारे में, ITC का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बाद क्या 36-4 रहेगा नहीं रहेगा, क्या उसकी वैलिडिटी रहेगी, क्या ये प्रोविजन सही है या गलत है, कुछ हमारे दर्शकों को इस पर प्रकाश डालिए प्लीज। शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए एक बार फिर से। एंड अगेन सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्ते, आदाब सभी दर्शकों को जो पूरे भारतवर्ष में और उम्मीद है भारत के बाहर भी इनकी वीडियोस को देखते होंगे। और जहाँ तक सवाल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जी जी जी, इसका पूरे GST में जब से ये बोगस इनवॉइसेस और बोगस ट्रांजेक्शन बोगस फॉर्म्स को पकड़ा गया, तब से इसका बहुत हल्ला तो मचा ही हुआ है। बिल्कुल। और जो न्यूज है गवर्नमेंट के पास जो आंकड़े हैं वो ये है कि 1,70,000 करोड़ रुपए इसकी वजह से बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया गया। और क्योंकि अब आंकड़ा इतना बड़ा है तो लॉ भी इतना स्ट्रिक्ट तो करना ही पड़ेगा। जी जी। और ये लॉ अगर आप देखेंगे GST काउंसिल मीटिंग में जहां पे ये डिस्कस हुआ था, तो इसका मोटिव क्या है? मोटिव ही ये है कि रेवेन्यू ऑगमेंटेशन, सरकारी तिजोरी को बढ़ाने के लिए ये लॉ पास हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें कोई ट्रेड फैसिलिटेशन की आप उम्मीद ना करें। अच्छा। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन नहीं है, ये रेवेन्यू ऑगमेंटेशन का एक लॉ है। और आपको मूल मंत्र अब ये मानना है कि जो ऑनलाइन आ रहा है वही माई बाप है, उसी को ही आपने अवेल करना है। उसी को ही अवेल करना, मतलब पोर्टल माई बाप है हमारा। बस जो आ रहा है सरकार के पास पैसा, वो उन्होंने 2A 2B में दिखा दिया। बस बस बस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले हम जो 2A में क्रेडिट आता था वो एक डायनामिक क्रेडिट था। बिल्कुल। उसको समझने के लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा GSTR 1 में। GSTR 1 में क्या होता है, अगर आपने कोई इनवॉइस सब अपलोड करके सेव कर दिया वो तभी 2A में आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने GSTR 1 फाइल की, अब वो GSTR 2B में आएगा। बिल्कुल। तो ये दो डिफरेंसेस आ गए हैं कि 2A के डाटा में और 2B के डाटा में क्या डाटा आपका किस पिक्चर को शो करता है, किस पिक्चर को शो करता है। 2A में इनवॉइसेस सिर्फ अप्रैल 2021 का अपडेट होगा। अगर आप 2A आज देखोगे, अप्रैल में देखोगे या दिसंबर में देखोगे, वो अप्रैल का बैलेंस को चेंज करता रहेगा जैसे जैसे इनवॉइसेस आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर 2B, अगर उसमें अप्रैल का इनवॉइस अप्रैल में सबमिट हो गया वो टाइम बाउंड है, तो वो अप्रैल का 2B में आएगा। अगर वो अप्रैल का इनवॉइस दिसंबर में सबमिट हुआ तो वो दिसंबर के 2B में आएगा। तो अब ये डिफरेंस है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इसका किया क्या जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, एंड आई बिलीव अभी तक वो ऑब्जर्वेशन कहीं डिस्कस हुई नहीं है क्योंकि मैंने सुना नहीं है। इन्होंने लिख दिया कि 16-2A में ITC लेने की कंडीशन ये है कि वो सप्लायर ने तो अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो और वो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट हो गया हो। बिल्कुल सही। अब सेक्शन 37 बोलते दोनों 2A को भी 2B को भी, राइट। अब 2B का डाटा कुछ हो रहा है, 2A का डाटा कुछ हो रहा है, तो मैं किसको कंसीडर करूं? है तो मेरे दोनों ही कम्युनिकेशन। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूं कि जैसे जो हमारा 37 ना तो 2A के लिए बोलता, 37 का सर अगर आप रूल पढ़ेंगे 60, अब वो अमेंड हुआ है। पहले रूल 60 था 38 के लिए। ओके। अब 38 है रिटर्न ऑफ इनवर्ट सप्लाई, राइट राइट राइट। अब इन्होंने पूरे लॉ में GSTR 2 का रेफरेंस डाल दिया, तो उसमें 2B उन्होंने कर दिया है वहां पे। और 59 सब रूल 5 जो पहले था वो बोलता था कि जो भी इनवॉइस है मेरा वो कम्युनिकेट हो जाएगा, राइट। वो रूल उन्होंने काट के पूरा रूल 60 बना दिया। ओके। तो रूल 60 इज नथिंग बट ए मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ 37, राइट। तो वो बोलता है 2A भी और 2B भी। अच्छा, वो वहां पे 2A 2B दोनों बोलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों का डाटा डिफरेंट है और दोनों ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मैं किसको कंसीडर करूं? किसको कंसीडर करूं? तो इसमें एक और चेंज है। अगर आप रूल 60 को देखेंगे ना, उसमें रूल 60 की हेडिंग को असर्टेनिंग किया गया, उसमें ये नहीं लिखा कि इट इज ए रूल टू डिटरमाइन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट राइट। इट इज ए रूल टू असर्टेन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, असर्टेन द इनपुट। तो डिपार्टमेंट तो यही बोलेगा कि 2B में इतना आ रहा है, आपने इतना लिया नोटिस। अगर आपको शांति प्रिय जीवन जीना,
तो चलो वैसे, अगर थोड़ा हमें काम देना है तो फिर उसमें यह है कि हमें काम तो उसमें से ITC असर्टेन करने का, ठीक है, जिसको हम सारी तरीकों के हिसाब से असर्टेन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब किसी का केस इसके बाहर भी है जो हम पहले करते थे, उसके लिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन है सर, ठीक है बताएं। कंडीशन बोलते कि 37 के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट हुआ हो, ठीक है। अब आप सेक्शन 38 पढ़ लो, जैसे आपने कहा थोड़ा वो एक्ट का ही तो पार्ट है। 38 बोलता है कि रेसिपिएंट के पास पावर है कि वो इनवॉइस को वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा और ऐड करेगा, ऐड करेगा। तो अगर अभी भी 37 में कुछ नहीं आया है तो 38 तो मुझे अलाउ करता है कि इसको ऐड कर लो, अलाउ करता है। और उसका कोई कम्युनिकेशन अब रूल्स में है नहीं, कोई रूल है ही नहीं सेक्शन 38 का, कॉन्ट्रैडिक्ट हो जाएंगे। बस वो थोड़ा मैंने आपको बता दिया फ्यूचर क्या है नई प्रोविजन का, तो यही एक छोटा सा ये मैंने आपको आइडिया देना था, फूड फॉर थॉट। तो इस पे आप मुझे भी कमेंट्स दें, सर को भी कमेंट्स दें और बताएं कि क्या मैं अब 37 को स्टिल जंप करके 38 में जा सकता हूं और कितना जंप, कितनी कुदाक में मार सकता हूं। नहीं, मेरा मानना कशिश गुप्ता जी है कि इन्होंने जो चेंजेस कराया ना 16-2 में तो कर दिया, सेक्शन 16-2 में तो कर दिया, लेकिन कोरोस्पोंडिंग चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो सेक्शन 37 में हो 38 में हो, तब जाके इसका पर्पस सोल्व होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से डिस्प्यूट्स जनरेट होंगे। हाँ जी, 38 का जैसे भी मैंने आपको बताया, 38 का तो रूल ही हटा दिया, वो सर एक्ट में है, तो मेरा तो काम इसी से हो गया कि वो एक्ट में है। तो आप समझे, एक प्रोविजन आया और इस पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन होगा, कशिश गुप्ता जी का अलग होगा, किसी और का कुछ भी होगा। तो आप ना एक पढ़ने की हैबिट डालें कि भाई अपनी जो भी चीजें नहीं आ रही हैं उसे पढ़े। आप सब लोगों को ये मैगजीन तो मिल गई होगी ना, हमारा फरवरी एडिशन, अगर किसी को नहीं मिला है फरवरी का एडिशन तो इसमें हमने ना पूरा एनालाइज करा है, तो आप हमारे को व्हाट्सएप करें, मेल करें, हम ये आपको सब्सक्रिप्शन दे देंगे, लेकिन ये फ्री नहीं है, ये पेड है। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्यों कशिश जी? बिल्कुल बिल्कुल, और पढ़ना डेली पड़ेगा, हम भी ये नहीं कहते कि हमारा व्यू ये फाइनल है, अभी हम यहाँ सीखने ही आए हैं, सीखने ही आए। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना, आपने व्यू लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को तो जरूर कर दे, जिससे कशिश गुप्ता जी को हम बार बार यहाँ पर बुला सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।